वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। जाता नहीं कभी और ज्यादा हुआ तो है ही नहीं। बोल उसने बोल आवाज तो का पता लग जाए तो आवाज तो का त्याग कर रहे वास्तविकता स्वाभाविक रह जाएगी। आवाज तो क्या है बोले इसमें जो आकर्षण है उसका सर्वथा त्याग कर दो। अभी तुम्हें राहत की बात है इसलिए मनुष्य पराधीन नहीं है। फिर आप साथ ठीक हो जाएगा। वास्तविकता है बैठी को बस जाएगी वो ठीक नारायण 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 नारायण। अज्ञान दो होते हैं तो असत्य का त्याग कर दिया तो वो तो असत्य का त्याग हो गया। लेकिन ये सत्य होते सत्य की प्रतीति होती है नहीं सत्य की होती असत की प्रतीति होती है प्रतीति प्रतीति का त्याग कर दो सत रह जाएगा स्वतः। असत की प्रतीति जिससे होती है वो सत है। तो
अनुभूति उसकी गिरती है। अनुभूति असत त्याग करने हो जाएगी, असत के त्याग करने हो जाएगी। सत होता है, अनुभूति दो नहीं होती। सत का अनुभव नहीं होता, सत रूप ही होता है अनुभव। अनुभव रूप ही सत होता है। सत की अनुभूति, अनुभूति अलग हो सत की, ये बात नहीं है। ये हाँ जी, इसको समझने के लिए कह सकते हैं, अनुभूति का मन सत का अनुभव कैसे हो, सत की अनुभूति कैसे हो, और सत की अनुभूति क्या है, सत और अनुभूति दो है कि एक है, ऐसी बातें विवेचन किया जा सकता है, बातें कही जा सकती है। उसमें ये कही जा सकती है कि जो सत है उसमें निरंतर स्थित रहना ही अनुभूति है। उसको समझने के लिए दो बातें हो गई, मैंने पहले कह दिया कि विवेचन करना हो साधक दृष्टि तो कर सकते हैं, पहले कह दिया मैंने। नहीं तो इसका विवेचन नहीं होता, एक ही चीज है, सच को हो चाहे अनुभव को हो, एक ही बात है। करना हो तो ऐसे करना हो सकता है कि सत्य का अनुभव करना क्या, कि सत्य में अटल स्थित रहना, ये सत्य का अनुभव करना। तो सत्य में स्थित रहना क्या, कि सत्य में स्थित रहना का ये मतलब है कि असत का आदर न करना। जब अनुभव हो जाए सत का तो असत का आदर न करना, असत का महत्व अंतकरण से हटाना। तू सद्या क्या करती हूँ करें, इसकी बात वही है, अनुभव तो उसमें एक ही बात है। जिस तरह से अब ध्यान देना, अनुभव क्या है, अनुभव का निरादर न करना, ये आया ना मतलब, असत में स्थित रहने का ये अर्थ हुआ कि सत के अनुभव का निरादर न करना, असत को महत्व न देना, इसी व्याख्या हुई। अब असत को महत्व न देना क्या हुआ, कि जैसे अब ध्यान दे रहे आप लोग सुने सभी, हमारे को जितनी जो वस्तु अभी मिली है, घर है, धन संपत्ति है, परिवार है, शरीर है, ये पहले था क्या, वो कहते पहले नहीं था, और अब सदा ही रहेगा क्या, सदा नहीं रहेगा। तो इनको स्थिर मानना और इनका भरोसा रखना, ये असत का आदर है। क्या नारायण जी, ध्यान दिया ना आप लोगों ने, ये पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, ये अनुभव है कि नहीं, ये कोई सुनिश्चित बात है, ठीक बात ही है। नहीं, किसी का संदेह हो तो बोलो, जो आपको हमारे को संपत्ति मिली है, धन मिला है, वस्तुएं मिली है, व्यक्तियां मिली है, ये पहले अपने पास ठीक ही, आज 100 वर्ष पहले भी हमारे पास ठीक है ये चीजें, और 100 वर्ष के बाद ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, नहीं तो ये तो पलक मारती मिट जाती है। तो ये फिर नहीं रहेगी, ये बात सही है कि रहेगी, ये सही है नहीं रहेगी, सही। ध्यान देना सबके सब भाई बहन, बहनों तो नहीं है, भाई भाई है, ये ध्यान देना कि ये नहीं रहेगी, पहले नहीं थी, और आप पहले थे कि नहीं थे, आपका भी आपको अभाव का अनुभव है क्या, हम पहले नहीं थे, और आपके अभाव का अनुभव ऐसा होता है कि अगर हम नहीं रहेंगे, बोलो, शरीर नहीं रहेगा, शरीर के साथ हमको तो हम नहीं रहेगा, परंतु इनको जानने वाला रहेगा, अर्थात अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, कोई भी अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकता। तो आप रहते हैं, ये नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहे
गुनहगार नहीं था उसका भरोसा रखना ये सही है क्या? इनको स्थिर मानना और ऐसा बना रहे ऐसा मानना ये ठीक है क्या? तो रहने वाला है ही नहीं, फिर रहने वाला मानना और ये बहुत जल्दी नष्ट हो सकता, उसका भरोसा रखना, उसके आश्रित रहना, उसको महत्व देना, ये अपने अनुभव का निरादर है। तो सत्य रूप जो अनुभव है उसका तिरस्कार है। इस वास्ते सत्य में अटल रहने का अर्थ हुआ कि तिरस्कार नहीं करना। सूत्र ने क्या हुआ, जब एक ही अनुभव है, एक स्थिति है, एक सत्य है, तो उसमें स्थित रहने क्या हुआ? तो ये हुआ कि आपको सत्य का अनुभव है कि हम तो रहते हैं और ये चीजें नहीं रहेगी। जिसमें ये चीजें नहीं थी नहीं रहेगी तो पक्की बात है ना, तो इसमें तो कच्ची है ही नहीं। तो इनको महत्व देना, इनके भरोसे रहना, ये सदा मेरे पास बनी रहे ऐसी भावना रखना बिल्कुल गलती है कि नहीं? तो इस गलती को आदर देना ही अनुभव का निरादर है। अनुभव में स्थित नहीं रहे तो अनुभव में स्थित नहीं रहना ये साधकों के लिए विवेचन किया जा सकता, परंतु अब सत्य का अनुभव के वो तो सत्य रूप अनुभव है ही, वो सत्य ही सिद्ध है। ये एक बात ही बहुत दामी है कि नाशवान का भरोसा नहीं रखना। अगर भरोसा रखो तो धोखा होगा, जैसे कोई ठग आदमी ठगे है अपन को और अगर उन्हें पता लग जाए कि ये ठग रहा है तो उस ठगाई में आना कोई बुद्धिमानी है क्या? पता लग गया ठग है और ठग रहा है, बिल्कुल बातें चिकनी चुपड़ी बातें कह रहा है, ये ठीक नहीं है, ठगाई कर रहा है, ठगाई में आ रहे हैं, ऐसा जानकर फिर ठगाई में आवे, ये बुद्धिमानी है क्या? तो ये जितनी चीजें हैं बिल्कुल ठगाई में आ रहे हैं आप, क्योंकि ये जाने वाली है, आप ठगे जा रहे हो, इनके भरोसे असली काम से वंचित रह रहे हो। तात्विक विचार है, अपना कल्याण है, उसकी तरफ ख्याल न करके केवल इनके भरोसे बैठे रहना है, क्या ये ठगाई में आना नहीं है क्या? अब ठगाई में आने का पता लग गया फिर ठगाई में आते हो, कम से कम ये बढ़िया का काम है क्या? बताओ। तो ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है। अभी आ गए, आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है, ये गहरी बात है और बिल्कुल पक्की पकड़ लेनी चाहिए, जीवन में उतार लेनी चाहिए। इनका भरोसा नहीं रखेंगे, इनके आश्रय पर हम जीते हैं ये नहीं रखेंगे, कभी नहीं रहेंगे इनका भरोसा। मन इनके भरोसे क्या है, पलक मारते मारते नष्ट हो गया, उसका क्या भरोसा, उसका क्या सहारा? अगर ये आप बात मान लें तो आपके दुख मिट जाएगा सदा के लिए। जितना दुख होता है सबका सब इसके आधार पर है, जो नाशवान है आप जानते हैं नाशवान, फिर उस ममता कर लेते हैं मेरी है, उसका आश्रय ले लेते हैं, आधार बना लेते हैं, उसको महत्व देते हैं, ये अपने अनुभव का निरादर है। अनुभव पर स्थित नहीं रह रहे है, उसी से ही दुख पा रहे है। इतने में सब बात आ गई, सब मात्रा आज इस बात का आप विचार करें, चलते फिरते बैठे भी एकांत में विचार करें, मेरा कहना माने तो ये विचार करें, आप इतने आए हो तो इस बात को विचार करें, देखें आप।
तुम्हें बर्बाद न करे। आप लोगों का तो ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, परमात्मा जाने। हमारे को भी जब ये बात मिली तो मेरे को बहुत लाभ हुआ है और मेरे को बहुत बढ़िया बात मिली है, ऐसा मैंने माना। इस बात से आप लोगों से ही प्रार्थना है कि आप इस बात पर ध्यान दो, आदर दो थोड़ा सा। हमारी पहले नहीं फिर पीछे हमारी नहीं रहेगी, बीच में उनमें ममता कर लेना कहां तक तो ठीक है। ममता भी इतनी दृढ़ कर लो जी, आज झूठ कपट बेईमानी भी कर ले, पाप भी कर ले, अन्याय कर ले, सास विशुद्ध आचरण भी कर ले, कितनी ममता कर ले भी उसमें, वो ममता वाला दुख आपको भोगना पड़ेगा और ये पहले थी नहीं पीछे रहेगी नहीं। संताप भोगना पड़ेगा इसका, महान दंड होगा। कुछ भी पैसा हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे धन हो, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो केवल खेल है, खेल मिला है, खेल खेलना है। अगर खेला फिर तुम ममता कर रहे, खेल कैसे खेला जाएगा। फुटबॉल में ले जाओ और कोई ले जाओ, जितनी खेल तमाशे की चीजें फुटबॉल उठा उठा ले जाओ, खेल कैसे होगा। और ये खेल ऐसा है भगवान, तो आप ले जा सकोगे नहीं, मन बिगाड़ लो बेशक, अपना पतन कर लो इतना इतना, आप स्वतंत्र हो और कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने पतन के, और कुछ नहीं हाथ लगेगा। ध्यान दे तो सुनो, आप जो चीजें मिली है उनको अपनी मानोगे तो अन्याय करके नरकों में जाओगे, दुख पाओगे, इसके सिवाय हाथ कुछ लगने का नहीं है, लाभ किसी तरह का नहीं है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है। इतने पर करते हो अनुभूति का निराधर है, अनुभव की वो स्थिर नहीं रहे। और अनुभव का निरादर करने के संबंध कोई हत्या नहीं, मनुष्य की हत्या से भी यह ज्यादा हत्या है। अपने विचार कर सिद्धांत का हनन करे, उसकी हत्या करता है, कितना बड़ा भाई पापी है, बहुत बड़ा भाई पापी, उसका उद्धार कभी नहीं होगा। अपने विचार का और अपने अनुभव का ही निरादर का हत्या करता है, बताओ आप उद्धार कैसे होगा।